नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, मैं गांव में हूं और जनरली गांव में थोड़ा सा खबर कम कर पाता हूं, तो मैं खबर कम कर पा रहा हूं, लेकिन आज रविवार है तो मुझे लगा कि यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में जो जारी करता है उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूं और बताता हूं कि आखिरकार वो कौन से कलाकार हैं जो टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाने में पूरे देश में कामयाब हो पाए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में आखिरकार भारतीय कलाकारों का क्या पोजीशन है और भारतीय कलाकारों का पोजीशन के साथ साथ भोजपुरी कलाकार भी कुछ दमखम अपना पूरे वर्ल्ड में दिखा पा रहे हैं कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा और आप सभी के चहेते ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन का भी रैंकिंग में आपको बताने वाला हूं। तो देरी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप YouTube म्यूजिक चार्ट्स पे जाकर देखेंगे तो मैंने देख लिया। एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता हूं क्योंकि मैं बताया आपको गांव में हूं, तो गांव में बढ़िया मैं एडिटिंग नहीं कर पाता हूं। तो फिलहाल जो है सबसे बड़े पायदान पर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह है। पवन सिंह पिछले हफ्ते जो है चौथे नंबर पर थे, हालांकि इस बार उनका ग्राफ डाउन हुआ है और पूरे देश में पांचवें नंबर पर खिसक कर आ गए हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी कलाकारों में भारत में सबसे बड़े पायदान पर बने हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो शिल्पीराज छठे नंबर पर आ चुकी हैं जबकि पिछले हफ्ते पांचवें नंबर पर थी, लेकिन वहीं जो है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का भी ग्राफ गिर चुका है। खेसारी लाल यादव पिछले हफ्ते सातवें नंबर पर रहने वाले इस बार खिसक कर आठवें नंबर पर आ गए हैं, यानी कि चौथे नंबर पर पवन सिंह, पांचवें नंबर पर शिल्पीराज और आठवें नंबर पर खेसारी लाल यादव हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव टॉप 10 में अपना पोजीशन पूरे भारतवर्ष में बनाने में कामयाब हो पाए हैं। अब मैं ग्लोबली बात करता हूं तो ग्लोबली थोड़ा सा खेसारी फैंस के लिए बुरी खबर है और बुरी खबर यह है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं और पिछले हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 12वें नंबर पर था खिसक कर 16वें नंबर पर चले गए हैं। हालांकि पवन सिंह कामयाब हो पाए हैं टॉप 10 में अपना पोजीशन बनाने में 7वें नंबर पर और शिल्पीराज जो हैं वो 8वें नंबर पर पोजीशन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। तो मैं ये रविवार को देता ही यूट्यूब म्यूजिक चार्ट जारी करता है उसकी जानकारी तो मैं देता ही हूँ, चाहे कोई भी कलाकार हो इसमें कितना भी बड़ा रैंक हासिल करे। अब ऐसा नहीं कि आप मैं खेसारी लाल यादव आगे रहे तो मैं उनकी जानकारी दूँ। जो भी कलाकार सामने रहता है, जो भी कलाकार यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में अपना रैंकिंग प्रोवाइड करता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ और ये ऑनेस्टी के साथ देता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस पर आपको एक जानकारी देनी चाहिए। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।